कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उस रेसिपी का नाम है क्रिस्पी आलू की कतली। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है। कतलियाँ तो हमने आपको वैसे ही बनाना सिखाई हैं और आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल यूनिक स्टाइल से क्रिस्पी आलू की कतली, क्योंकि बहुत अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी को, रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। यहाँ हमने क्रिस्पी आलू की कतली के लिए हमने हाफ के जी आलू ले लिए, जिसे हम गोल शेप के अंदर हमने इसे कटिंग कर लिए हैं। हाफ के जी आलू थे और पानी के अंदर हमने डिप करके रखा, क्योंकि आलू बहुत जल्दी ब्लैक हो जाते हैं, इसलिए पानी के अंदर डिप कर लिया था हमने इसको। क्रिस्पी आलू की कतली के लिए हमने बैटर बनाना है। हमने बॉल लिया, बॉल के अंदर ऐड कर देंगे हम 4 टेबलस्पून बेसन। यहाँ हमने 4 टेबलस्पून बेसन ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर ऐड कर 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून नमक और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून ओरिगानो, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, थोड़ा पानी ऐड करते इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। तमाम चीज़ें डाल के हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे, इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे क्रिस्पी आलू कतली के लिए। यहाँ हम पानी ऐड कर रहे हैं हसबे ज़रूरत, एक स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे मज़ीद। दोबारा से हमने इसमें पानी ऐड कर दिया, इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। हमें बैटर इसका इस तरीके से तैयार करना है कि हमारे आलूओं पे अच्छी तरीके से कोड हो जाए। इसके लिए जो हम बैटर तैयार कर रहे हैं बिल्कुल ना थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा थिन होना चाहिए, एक नॉर्मल सा स्मूथ सा बैटर होना चाहिए जो आलू के ऊपर अच्छी तरीके से कोड हो जाए, कोडिंग उतरे ना हमारी। देर देर से ही बैटर गिरा, इसका मतलब हमारे आलू जो हम इसमें डिप करेंगे तो अच्छी तरीके से कोड हो जाएंगे। ये क्रिस्पी आलू की कतली का बैटर रेडी हो चुका है। इसके अंदर हमने आलू के स्लाइसेस ले लिए, इसको हम ऐड करेंगे इस बैटर के अंदर। इसे अच्छी तरीके से हम कोट कर लेंगे बैटर, और कोट हुए आलू को हम ऐड करेंगे ऑयल के अंदर गर्मा गर्म, उसको कर लेंगे अच्छी तरीके से हम फ्राई। कोड हो चुका है, इसको हम ऐड करेंगे गर्मा गर्म ऑयल के अंदर। क्रिस्पी आलू की कतली बनाने के लिए हमने कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर हमने हसबे ज़रूरत ऑयल डाल दिया, अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कोड हुई क्रिस्पी आलू की कतली। अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कोड की हम कतलियाँ ऐड करेंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो जाएं अंदर तक से, और ऊपर से बेहतरीन तरीके से फ्राई हो जाएं। कोट की हुई कतलियों को ऑयल के अंदर हमने ऐड कर दिया, देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से कुक हो देंगे। एक साइड से हम कुक हो जाने के फिर आपको दिखाएंगे इसका लुक। यहाँ देख सकते हैं उसकी साइडों को करेंगे अब चेंज वन बाय वन करके। माशाल्लाह यहाँ देख सकते हैं तमाम कतलियों की साइडों को चेंज कर दिया है। इसे हम लो फ्लेम पे कुक करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, ऊपर से बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। देख सकते हैं कि हमारी क्रिस्पी आलू की कतली पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसको निकालते हैं एक प्लेटर के अंदर, तमाम बैच को इसी तरीके से कर लेंगे हम फ्राई। क्रिस्पी आलू की कतली का पहला बैच हमने फ्राई कर लिया, इसी तरह तमाम बैच को फ्राई करेंगे, उसका दिखाएंगे आपको रिश आउट करने का फाइनल लुक। हाँ देख सकते हैं क्रिस्पी आलू की कतली रेडी हो चुकी है। इसमें हम मज़ीद चीज़ें डालने की बारी अब आती है। अब इसे करेंगे मज़ीद गार्निश, किन चीज़ों से करते हैं ये देखते रहें आप। देख सकते हैं क्रिस्पी आलू की कतली रेडी हो चुकी है। अब इस पर हम ऐड करेंगे मायोनीज़, इसके अंदर ऐड करेंगे हम केचप, ज़रूरत केचप, हसबे ज़रूरत मायोनीज़। अब हम इसे गार्निश करेंगे मस्टर्ड पेस्ट से। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम हसबे ज़रूरत हरी मिर्च। अच्छा यहाँ देख सकते हैं क्रिस्पी आलू की कतली रेडी हो चुकी है। इसमें हम मज़ीद 4 चांद लगाते हैं हरा धनिए से, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनके तैयार होती हैं। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, आपकी हैं या नहीं या फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। लग रही है ना आलीशान रेसिपी। यहाँ देख सकते हैं क्रिस्पी आलू की कतली हो चुकी है कम्प्लीट।
हाँ इसे हमने गार्निश करा मेयोनीज के साथ, केचप के साथ, मस्टर्ड पेस्ट के साथ, हरी मिर्च और हरा धनिया के साथ। हर रेसिपी की जान होता है हरा धनिया, कितना ज़बरदस्त हमने गार्निश करी और सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी। आलू की रेसिपी बहुत ही मुनफरद है, यूट्यूब पर पहली बार ही हमने बनाई। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इस तरह देखते रहे हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।